हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। राधेपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर फिर से हाजिर हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, 2018 के सेट 11 के 6 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और अभी देखें। कई बच्चों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये चीज कंटिन्यू की जाए। फिलहाल लॉकडाउन के समय पर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलना बेहतर एक ऑप्शन दिख रहा था मुझे, क्योंकि हम टॉपिक को जब कवर करते हैं तो बढ़िया तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में ही मजा आता है ना। लेकिन क्वेश्चंस को तो हम बड़े इजीली बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर पा रहे हैं और बच्चों को पसंद आ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए थे 2018 के सेट 11 के क्वेश्चन, वो आज हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का वो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप देखिए, There is a circular coil having n turns. The field produced is how many times larger than produced by a coil of single turn? कह रहा है question, There is a circular coil having n turns. सबसे पहले तो बता रहा है circular coil क्या? Suppose करो कोई circular coil है जिसमें कि n turns है, क्या? Magnetic field है, कोई फील्ड है जिसमें कि सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल ऑफ सिंगल टर्न। यदि कॉइल में सिंगल टर्न है तो फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, और यदि हमने कॉइल को एन नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दिए हैं तो फील्ड में क्या चेंजेस आएंगे, इसके लिए समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, सभी को पता है। जो बी होता है, जब हम कोई सर्कुलर कॉइल फील्ड में रखते हैं तो जो बी होता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, क्लियर? यानी कि ये करंट जितनी फ्लो हो रही है कॉइल में से, अब इस कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो भी डिपेंड करेंगे किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो करंट इसमें से फ्लो हो रही है, साथ ही साथ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो, क्लियर? चलिए, तो इस सर्कुलर कॉइल में यदि मैंने कहा दो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने दो बढ़ाए, मैग्नेटिक फील्ड दो गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, क्लियर? अब नेक्स्ट बात करूं, यदि यहां कह रहा है क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, भाई दो बढ़ाए, चार बढ़ाए, छह बढ़ाए, एन बढ़ा दिया, तो भाई फील्ड भी तो एन टाइम्स हो जाएगा, फील्ड भी हमारा एन टाइम्स हो गया, होगा कि नहीं होगा? बस यही आपके चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कि पहला है एन, दूसरा है एन स्क्वायर, तीसरा एन बाई टू, चौथा एन स्क्वायर बाई टू, तो बाकी तीन तो काम का ही नहीं है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स को एन कर दिया गया है तो फील्ड भी आपका एन गुना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि यदि सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो सर्कुलर कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उसी अनुपात से बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही समानुपातिक होते हैं। साथ ही साथ सेम जो कंसेप्ट है वो करंट के साथ है। आप खुद ही सोचो ना यार, कॉइल रखी हुई है, अब मैंने कॉइल में दो टर्न बढ़ाए तो भाई ये करंट भी ऐसे बढ़ेगी, तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता जा रहा है करंट बढ़ता जा रहा है, तो दोनों ही क्या हुए, फील्ड के प्रोपोर्शनल ही तो होंगे। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए टिक हो चुका है, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने एन आंसर दिया उनका सही है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is not an example of screen पर देखिए, आप सभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। Which of the following is not an example of biomass energy source? यानी कि biomass energy source का एग्जाम्पल कौन सा नहीं। चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है वुड, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है एटॉमिक एनर्जी, चौथा है कोल। क्या आपको पता है कि ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं, ये तो सभी को पता होगा यार, कॉमन सेंस है ना। पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, क्लियर? दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है इसको हम हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय। आप कहोगे कि मैम आप हिंदी क्यों ले आते हो यार बीच में, पता है क्यों ले आती हूँ,
क्योंकि हिंदी के नामों में ही ना आधा कंसेप्ट वहीं खत्म हो जाता है। पता है जितने लॉजिक्स के क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं पूछे जाते, क्योंकि वहां पर तो पता ही चल जाता है ना कि आंसर क्या है। सपोज करो यदि एग्रोलॉजी पूछा तो कृषि विज्ञान पूछे ना तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, इसलिए एग्रोलॉजी पूछता है। अब यदि आपको नवीकरणीय पता है तो आप इसको संधि विच्छेद कर लोगे यार, संधि विच्छेद करोगे तो बन रहा है ऐसी चीज जिसका नवीनीकरण, नवी प्लस करणी यानी नवीनीकरण किया जा सके। ऐसे सोर्सेस जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, नवीकरण किया जा सकता है, वो कहलाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल को हम कहते हैं अनवीकरणीय, क्या कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीकरणीय को मैंने आ प्लस नवीकरणीय कर दिया, यानी कि नहीं किया जा सकता। ऐसे सोर्सेस जिनको दोबारा से हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल। और भाई इतना तो सभी को पता है कि बायोमास जो है, बायोमास एनर्जी सोर्सेस क्या है, ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, यानी कि नवीकरणीय स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कौन सा एग्जाम्पल है। पहला वुड, वुड तो बायोमास एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है क्या। दूसरा है गोबर गैस, गोबर गैस भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तीसरा है एटोमिक एनर्जी एंड चौथा है कोल। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में है मिस्टेक, उस समय मिले होंगे सभी को मार्क्स, क्योंकि एटोमिक एनर्जी एंड कोल दोनों ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि ऑप्शन सी एंड डी जो है दोनों ही अनवीकरणीय है, यानी कि यहाँ पर सी और डी दोनों ही करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से नहीं है, तो दोनों ही नहीं है, एटॉमिक एनर्जी और कोल, क्योंकि इनको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं अर्थ को अगेन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इनका नवीनीकरण करना बहुत ही कठिन है, इसलिए हम इनको कहते हैं अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इसलिए ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है डेंसिटी ऑफ वॉटर व्हेन इट फ्रीजेस। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें, डेंसिटी ऑफ वॉटर व्हेन इट फ्रीजेस, डेंसिटी ऑफ वॉटर, पानी का घनत्व तो क्या होगा जब वह बर्फ बनेगा, तो बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। पहली बात तो पता होना चाहिए घनत्व तो होता क्या है। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी कहें या हम इसी को कहेंगे घनत्व, या घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, या हम कहें मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी वस्तु का पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना मास है, यही कहलाता है डेंसिटी या कहें घनत्व। पर्टिकुलर वॉल्यूम पर उसका मास कितना है, यही कहलाता है डेंसिटी। यूनिट बड़ी आसानी से आप बना लोगे, मास हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, यूनिट बन गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यदि क्वेश्चन आ जाए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे, चूंकि है किलोग्राम तो आ गया कैपिटल एम, मीटर क्यूब मीटर हो गया लेंथ, तो एल टू दी पावर माइनस थ्री बन जाएगा एंड टी टू दी पावर जीरो बन जाएगा। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि यहां पर कवर हो गए आपके दो और प्रश्न। जी हाँ, सीजीएल सीएचएसएल में तो कई बार पूछा ये क्वेश्चन, कई बार पूछा डेंसिटी का बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहली बार तो ये पता होना चाहिए कि भाई घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये पता है तो बकायदा यूनिट निकाली। और ये अब ऐसे सीजीएल वाले बच्चे सोचेंगे मैम इतना इजी आता है, हाँ इतना इजी आता है, तब भी आते हैं और बायो के क्वेश्चन देखेंगे अपन। चले तो डेंसिटी का ये तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन हमारा है एक्चुअली कि डेंसिटी ऑफ वॉटर, पानी के घनत्व की बात हो रही है कि पानी का घनत्व तो क्या होगा जब वो बर्फ बनेगा, तो बढ़ेगा या घटेगा। क्या आपको ये बात पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व तो होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज 999 ग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है, कितना 999.79, कितने 4 डिग्री सेल्सियस पर। इतना तो सभी को पता है यार कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सभी को पता है ना पानी का गलनांक और क्वथनांक। अब चूंकि इतना पता है कि 4 के बाद जैसे ही पानी शून्य पर आएगा तो पानी बर्फ बनेगा, क्लियर। शून्य से और नीचे गया सपोज -10 पे गया तो और उसका क्या होने वाला है, घनत्व
घटने वाला है। -30 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व पहुंच जाता है 983.85। तो आपने क्या देखा कि पानी नॉर्मल टेम्परेचर से, यानी कि जब पानी लिक्विड अवस्था में था, उससे बर्फ कब बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा कि नहीं बनेगा? और 0 से नीचे जाने पर तो बर्फ ही रहेगा ना। तो आप क्या देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो कि उसकी डेंसिटी घटती जा रही है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर थी 999.79, -30 पर पहुंच गई 983.85 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी हमने क्लियरली देखा कि पानी का घनत्व जो है नीचे जाने पर, टेम्परेचर नीचे जाने पर घटता है। क्या तो क्वेश्चन है हमारा कि क्या पानी बर्फ बनेगा तो घनत्व तो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो भाई घटेगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डिक्रीज होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया उनका बिल्कुल सही है। बताओ बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। विच ह्यूमन ऑर्गन गेट्स मेजोरिटी अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी? विटामिन डी की हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी होने के बाद सबसे ज्यादा यदि कोई ऑर्गन इफेक्ट होता है, अफेक्ट करता है, तो वो कौन सा है? क्या वो आंखें हैं, स्किन है, हेयर है या बोन्स है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जो विटामिन डी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, का विटामिन डी क्या करता है पता है? इट हेल्प्स, ध्यान से नोट कर लो, ये हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी में। और कैल्शियम की बात आ गई, यानी कि किससे रिलेटेड होगा? नो डाउट बोन से रिलेटेड होगा। कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां कमजोर हो गई, कैल्शियम की अधिकता हो गई तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। यानी कि बोन्स का पहला कंपोजिशन कैल्शियम है और विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी हड्डियां धीरे धीरे वीक होंगी। समझ नहीं आता लोगों को, विटामिन डी कैसे रिलेटेड है यार हड्डियों से? ऐसे रिलेटेड है, विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्सॉर्ब करने में कैल्शियम, और कैल्शियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोन्स, कहना चाहिए, है ना, टेक्निकल समझो। तो सीधी बात है कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी बोन से रिलेटेड है। यानी यदि आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो इनडायरेक्ट रूप से आपके बोन्स को बहुत इफेक्ट करने वाला है। क्लियर? तो विच ह्यूमन ऑर्गन गेट्स मेजोरली अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी? तो आईज, स्किन, हेयर नहीं होगा, ऑप्शन डी यानी कि बोन्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए, चलिए सॉल्व करते हैं। आप तब तक पढ़िए, तब तक मैं इसे साफ कर। आया समझ क्वेश्चन क्या है? चलिए मैडम बता रही है, क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग पूछा है यार, मैच द फॉलोइंग, और वो भी बायो से पूछा है ना, मैच द फॉलोइंग और वो भी बायो से। कह रहा है मैच द स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम में चार चीजें दी गई हैं, पहला है स्टोमेटा, दूसरा है एक्साइलम, तीसरा है रूट हेयर्स, चौथा है फ्लोरिया। देखो यहां पर आपको दो चीज भी पता हो ना तो खत्म हो जाना है, लेकिन बेटा ना कॉलम बी में पांच चीजें दी गई हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज हो। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा है ट्रांसपीरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अगला है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? पहला तो हम बनाते जाते हैं आपको, जैसा कि हमने शॉर्टकट बनाया है, ठीक है, उस हिसाब से हम आपको बताते जाते हैं, फिर हम मैच करते हैं। मैम ने बताया था ज से जाइलम और ज से जल, बेटा ये बताया है मैंने, और फ से फ्लोयम और फा से होता है फूड। ये याद कर लोगे तो कभी गलत नहीं होंगे ये दोनों टिश्यूज एक्चुअल में क्या काम करते हैं। जाइलम जो है पौधों में किसका, वाटर का, वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जबकि फ्लोयम नाम का ऊतक टिश्यू जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
भोजन जो है पत्तियों में बनता है, पत्तियों से लेकर पौधे के हर एक भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। कैसे याद रखोगे? फॉसे फ्लोएम फॉसे फूड, जैसे जाइलम जैसे जल, ऐसे याद रखोगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जाइलम जो है पानी, पानी कहाँ होता है? पौधों की जड़ों पर होता है। अब उस जड़ से पौधे के हर एक भाग में पानी चाहिए ना यार, पत्तियों को भी भोजन बनाना है तो जल तो चाहिए। ये कौन पहुंचाता है? ये जाइलम नाम का जो एक ऊतक होता है, टिश्यू होता है, वो पहुंचाता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, जाइलम जो होगा यानी कि ऑप्शन टू जो है वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि ये हो गया 4 नंबर। क्या दूसरा जो आपका बनेगा, दूसरा कनेक्ट होने वाला है 4 से। फ्लोएम जो है वो करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि जो 4th नंबर है वो किससे कनेक्ट होने वाला है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी 3 से। चलो, दो ऑप्शन हो गए खत्म। पहला है स्टोमेटा। या स्टोमेटा क्या काम करता है ये तो सभी को पता है। आप पहले चेक कर लेते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेशन देख लेते हैं। 4 दिन वाले इजी थे ना, देखते हैं कौन कौन सा बचा। सेकेंड का जो है 4th लगाने वाले, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है बेटा। लो तुम्हारा यहीं पे सवाल खत्म हो गया। देखा देखा, क्वेश्चन जो 11 है उसमें जाइलम को यदि आपको सिर्फ इतना पता है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है तो आपका सवाल एक बार खत्म हो गया। टाइम वेस्ट की कोई नीड ही नहीं थी कि बाकी चीजें आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे जाइलम जैसे जल किया मैम, फॉसे फ्लोएम फॉसे फूड, इतने में क्वेश्चन खत्म। क्योंकि हमने देखा कि सेकेंड नंबर का जो है 4th जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो कि जो है स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ गया यहाँ पर? आपको पता है स्टोमेटा एक्चुअल में होते क्या है? स्टोमेटा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं पौधों पर, जिसके थ्रू ना वो, जैसे हम मानव रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, वैसे पौधे क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं। यानी स्टोमेटा छिद्र के थ्रू पौधे क्या है? ट्रांसपिरेशन करते हैं। यानी स्टोमेटा का आप करने वाले को 2D यानी कि ट्रांसपिरेशन, जिस जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका लास्ट बचेगा रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करने वाले हैं यहाँ पर? रूट हेयर्स जो है बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। एक बात बताओ, आपने जो जड़ें ऐसे पौधों की फैली हुई है, क्या पानी डाला, तो जो रूट है वही तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर कौन आएगा? फिर आएगा जाइलम। वहां से जो वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट हेयर्स ने, उसी पानी को लेकर जाइलम पौधे के सभी भागों में पहुंचा देगा। तो ये पूरी कहानी इतनी ही थी कि भैया आपने पौधे में पानी डाला, वो पानी ऊपर तक किसने, जैसे ही आपने पानी डाला एब्जॉर्ब कर लिया, किसने? रूट हेयर्स ने। ऊपर पानी कौन पहुंचाया? जाइलम ने। फिर क्या करा भाई? सांस लेंगे। सांस किसके थ्रू ले रहा है? स्टोमेटा छिद्रों के थ्रू, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पौधों में। फ्लोएम के थ्रू क्या होगा? खाना ट्रांसपोर्ट होगा। बताओ कुछ भी टफ था क्या? सिर्फ ये दोनों आप हमेशा याद रखो, मैं बता रही हूं। 12 साल का पेपर देख लो, 12 साल का पेपर देखोगे तो ऐसा, मुझे ऐसा मतलब हर 2 शिफ्ट में ऐसा नहीं होता कि एक पेपर में ये क्वेश्चन ना मिल जाए। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं जाइलम और फ्लोएम की बात करते ही करते हैं। सिर्फ क्यों बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि जाइलम फूड करता है क्या, फ्लोएम वाटर करता है क्या? नहीं, जासे जाइलम जासे जल फॉसे फ्लोएम फॉसे फूड। क्लियर? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। What is called the process of fusion of the male and the female gametes? 4 ऑप्शन है। पहला है फर्टिलाइजेशन, दूसरा है पॉलिनेशन, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, अगला है सीड फॉर्मेशन। बहुत ट्रिकी नहीं है पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो एक्चुअल में उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पॉलिनेशन का यहाँ पर कोई वो नहीं था। रिप्रोडक्शन पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है, फर्टिलाइजेशन वगैरह। तो बिल्कुल ऑप्शन ए जिन बच्चों ने टिक किया, यानी फर्टिलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मोनेरा ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा ग्रुप में है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया एंड मॉस। पहले तो मुझे बताओ ये मॉस क्या है, ये मॉस क्या है? यदि कोई बच्चा बता दिया ना तो मेरी तरफ से चॉकलेट, ऐसी वैसी नहीं, सिल्क। ठीक है, बिल्कुल पेटीएम कर दूंगी, खरीद लेना, ऑनलाइन बुलवा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मोनेरा ग्रुप? आंसर तो देंगे ही, पहले बताओ ये मॉस क्या है, ऑप्शन डी है क्या? कितने बच्चे जानते हैं?
वीडियो देखते देखते रिकमेंड कर दिया, बिल्कुल मॉस बता दिया, तो बिल्कुल चॉकलेट मिलनी बनती है। नीचे पेटीएम नंबर भी डाल देना। चलो देखो, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि 5 तरह के किंगडम होते हैं, सभी को बताऊंगा, बताने की आवश्यकता नहीं है ना। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा है एनिमेलिया। क्लियर? अब देखो, जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है, ध्यान देना, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है दोनों ही यूनिसेल्यूलर होते हैं, और जो प्लांटी एंड एनिमेलिया है ये दोनों ही मल्टीसेल्यूलर होते हैं। अब मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में जो है, मोनेरा यूनिसेल्यूलर तो दोनों ही है, लेकिन यूनिसेल्यूलर के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है ना, ऐसी सेल्स जिनमें केंद्रक नहीं होते, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक। यानी कि प्रोटिस्टा जो है यूनिसेल्यूलर तो है ही, लेकिन उसमें केंद्रक होगा, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। क्या? नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई में तो सारे ही फंजाई, फंगस, जितनी भी चीजें हैं सब आती हैं। क्या? प्लांट है भाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया ये दोनों ही आपके मल्टी सेल्यूलर तो हैं, और साथ ही साथ दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं, यानी भाई इनमें क्या मल्टी सेल्यूलर है और केंद्रक भी होता है। अब आपके ऑप्शन 4 थे, पहला था मशरूम, दूसरा है ईस्ट, तो ये मशरूम और ईस्ट बता दो दोनों ही किसमें आएंगे, दोनों ही फंजाई ग्रुप में आते हैं, यानी फंजाई किंगडम के एग्जाम्पल हैं। जिन बच्चों को किंगडम का आइडिया नहीं था वो इस आंसर को नहीं दे पाते। अगला है बैक्टीरिया, अगला भी देखते हैं मॉस। आपको पता है कि मॉस क्या है? मॉस आता है मल्टी सेलुलर प्लांटी किंगडम का एक पेड़ है। गूगल करो भी दिख जाएगा, एक बढ़िया सा पेड़ होता है, वरना इमेज डिजिटल मोड होता है, इमेज भी दिखा देते, एक पेड़ होता है, यानी कि प्लांटी किंगडम का है। तो वो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने नहीं वाला, क्योंकि तो क्वेश्चन है मोनेरा ग्रुप का कौन है, तो एक ही बच्चा हमारा मोनेरा ग्रुप का, दैट इज बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि भाई यूनिसेल्युलर तो होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। क्लियर? चलो ये भी हो गया हमारा क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनेरा ग्रुप, दैट इज ऑप्शन से बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है आइस मस्ट बी रिमूव्ड, स्क्रीन पर देखेंगे आप सभी, आइस मस्ट बी रिमूव्ड विद इन आवर्स आफ्टर द डेथ फॉर आई डोनेशन। सपोज किसी ने आई डोनेट कर रखी है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके मरने के कितने समय पश्चात ही आइस को निकालना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एक समय ड्यूरेशन हो, ऐसा तो है नहीं कि 20 दिन बाद भी आइस निकालो तो भी कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं होता है। 4 ऑप्शन है क्या, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे, 24 घंटे बाद। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, 6 घंटे बाद हमें निकालना जरूरी होता है आइस को, वरना बाद में वो सेफ नहीं होती। क्या? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और द एजेंट ऑफ इन्फेक्शन। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि एस निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कौन जो है एजेंट है इन्फेक्शन का। क्लियर? यानी कि इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। 4 ऑप्शन है, पहला है फिजिकल कॉन्टेक्ट, भाई वायरस, कोविड वायरस का समय चल रहा है, सबको पता है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट आने से इन्फेक्शन फैलता है। क्लियर? दूसरा है वेक्टर, तीसरा है वॉटर, भाई वॉटर से भी इन्फेक्शन फैलता है, सभी को पता है। क्लियर? वेक्टर क्या चीज है मैम? वेक्टर एक ऐसा कहना चाहिए तीसरी चीज है जो दोनों के बीच वायरस को फैला देती है। क्या? ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन एक थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू क्या होता है, वायरस फैलता है। ये भी एक तरह का एजेंट है जो कि इन्फेक्शन फैलाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन, तो बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन जो है सही है, यानी कि हम ऑप्शन डी टिक करेंगे, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फिजिकल कॉन्टेक्ट आने में इन्फेक्शन बढ़ेगा, वेक्टर्स भी फैलाते हैं, साथ ही साथ वॉटर से तो फैलता ही फैलता है। क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। 4 दिए हैं, पहला है गम, दूसरा है प्लाईवुड, अगला सीलिंग वैक्स, चौथा है कैरोसिन। भाई सबको पता है, सबको पता है कि कैरोसिन कैसे मिलेगा पेड़ से, नहीं मिलेगा। गम भी पेड़ से मिलता है, प्लाईवुड भी वही पेड़ से ही मिलता है, लकड़ी है, सीलिंग वैक्स भी पेड़ से ही निकलता है, सिर्फ कैरोसिन ही ऐसा है। एक आध सवाल ऐसा भी दे देता है ना, हाँ चलो ठीक है यार, तुमको भी लग जाए कि हलवा साइंस आती है, बाकी हलवा नहीं आती, अलग क्वेश्चन देखा था, ठीक है। चलो
तो ये था बेसिक डिस्कशन जिसमें कि 2018 का सेट 11 यहाँ पर होता है फिनिश। जितने क्वेश्चन हमने अभी डील किए उतने सारे ही क्वेश्चंस जो है आए हुए थे किसके सेट 11 2018 एसएससी जेईई में। तो इस तरीके का बढ़िया लेवल रहता है, इसी तरीके से हम डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन को। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहिए और संडे को होने वाली है क्विज, तो क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करना है आप सभी को। और आप सभी के प्राइजेस जैसे ही लॉकडाउन ओपन होते हैं तो सभी के घरों तक पहुंच जाएंगे, प्राइस सबके घर तक पहुंच जाएंगे। चिंता करने वाली बात नहीं कि मैम प्राइस कब तक मिलेंगे, बच्चे परेशान है, लॉकडाउन में डिलीवरी ही नहीं दिखा रही है। फ्लिपकार्ट सर लोगों ने ट्राई कर लिया, हर एक ऐप में कहीं पर भी डिलीवरी नहीं दिखा रही है, इसलिए अभी गिफ्ट पहुंच नहीं रहे हैं। जैसे डिलीवरी ओपन होती है आप सभी के गिफ्ट आपके घर तक पहुंच जाएंगे। क्या तो बस इसी तरीके से प्यार बनाए रहो और बढ़िया तरीके से घर में बैठकर सेफ और सुरक्षित तैयारी करते रहिए। क्या चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन।